नमस्कार, न्यूज वीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। पहली खबर है, टीम इंडिया ने गवाया WTC खिताब। सचिन तेंदुलकर ने बताया कहां हुई चूक। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2013 के बाद से कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है। एक समय लग रहा था कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ICC ट्रॉफी का 8 साल का सूखा खत्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बताया कि टीम इंडिया से कहां चूक हुई है। उन्होंने मैच के बाद ट्विटर पर लिखा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीतने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बधाई। आप बेहतर टीम निकली। टीम इंडिया अपने प्रदर्शन से निराश होंगी। मैंने जैसा ही कहा था कि पहले 10 ओवर बहुत अहम होंगे और भारत ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों का विकेट 10 गेंदों के अंदर गंवा दिया, जिससे टीम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराट कोहली की बैटिंग को लेकर किए गए ट्वीट में मॉन्टी पेनेसर ने अनुष्का शर्मा को किया टैग। फैंस ने किए मज़ेदार कमेंट्स। जी हाँ, अब विराट कोहली इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। विराट की कप्तानी और बल्लेबाज को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जो है मॉन्टी पेनेसर ने उसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। विराट की बल्लेबाजी को लेकर किए गए ट्वीट में पेनेसर ने अनुष्का शर्मा को भी टैग कर दिया, जिसको लेकर फैंस उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। मॉन्टी पेनेसर ने ट्विटर पर लिखा कि इंग्लैंड के बचे हुए दौरे के लिए आपको गुड लक। पेनेसर के इस ट्वीट से लोग जो है उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने अनुष्का शर्मा को मेंशन क्यों किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की शर्मनाक हार पर भड़के फैंस, कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग उठी। जी हाँ, विराट पैच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की शर्मनाक हार पर भड़के फैंस, कोहली को कप्तानी से हटाने की उठी मांग। जी हाँ, भारत टीम के इस खिताबी मुकाबले के हारने के बाद ट्विटर पर विराट कोहली की खूब आलोचना हो रही है और उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग की जा रही है। फैंस ने भारत की WTC फाइनल में हार का जो ठिकरा है वो विराट कोहली पर की खराब कप्तानी पर फोड़ा है। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका कहना है कि हमेशा ही कोहली ICC के बड़े इवेंट्स में खराब प्रदर्शन करते हैं और कप्तानी करते हैं। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए और उनकी जगह जो है अंजिक रहाणे या रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बना देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बार अपने कैरियर में ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए विराट कोहली। जी हाँ, बतौर कैप्टन विराट कोहली तीसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम को ICC ट्रॉफी दिलवाने में नाकामयाब हुए हैं और इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रही है। 2017 में विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, जबकि 2019 में उन्हीं की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने ही हार गई थी और विश्व कप विजेता बनने का सपना जो है वो अधूरा रह गया। कल एक बार फिर से एक बार ये हुआ कि भारत के पास विराट कोहली की अगुवाई में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का एक सुनहरा अवसर था, जो टीम को हार का सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WTC फाइनल में फ्लॉप हुए बुमराह तो फैंस हुए गुस्सा, ऐसे बैंड बजा रहा है सोशल मीडिया। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल के आखिरी दिन भारतीय टीम मुश्किल में फंसी तो ना केवल बहुत पहले ही सोशल मीडिया पे #congratulations न्यूजीलैंड ट्रेंड करने लगा, बल्कि भारतीय सिमर जसप्रीत बुमराह भी फैंस के निशाने पर आ गए और उन्होंने अपने अपने अंदाज में बुमराह को जमकर खड़ी खोटी सुना। किसी ने मेम्स के जरिए जो है वो भड़ास निकाले तो किसी ने रचनात्मक लाइन के जरिए अपनी भड़ास निकाली। स्पोर्ट्स जगत में आज इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें।